बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आसिम रियाज और पारस छाबरा, शुरुआत से ही इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। इन दोनों के विचार भी कभी कभार ये मैच खाते हैं और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए दिखे। और आसिम ने तो पारस को ये भी कह दिया कि लड़कियों के साथ रह रह कर तू लड़की हो गया है। जी हाँ, दरअसल आसिम अपना सांप बना रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पारस छाबरा आ जाते हैं। शेफाली भी आ जाती है और वो आसिम को सांप बनाने से रोकते हुए नजर आते हैं और फिर आरती उन्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर भी वो उनके सांप को तोड़ मरोड़ देते हैं और फिर आसिम वहाँ से चिल्लाते हुए चले जाते हैं। पारस उनके कान में कहते हैं कि अगर कुछ नहीं करेगा तो बच जाएगा। तो ये बात आसिम को बहुत बुरी लगती है और उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तू मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साले लड़कियों के बीच में रह के लड़कियों जैसा हो गया है, जनानी हरकत करने लगा है तू साले। बिग बॉस के स्टेडी सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।